आज हम गुड़ पापड़ी बनाएंगे। गुजरात में जैनों का एक तीर्थधाम है महुड़ी, वहाँ की गुड़ पापड़ी का प्रसाद बहुत ही फेमस है। गुजरात में शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसने प्रसाद की ये गुड़ पापड़ी ना खाई हो। वहाँ पर जिस तरह से गुड़ पापड़ी बनाई जाती है और जिस मेजरमेंट से बनाई जाती है, सेम उसी मेजरमेंट से और उन्हीं के तरीके से आज हम ये घर पे बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही नरम बनती है। तो चलिए गुड़ पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड़ पापड़ी बनाने के लिए हमें गेहूं का दरदरा आटा लेना है 2.5 कप। गुड़ पापड़ी बनाने के लिए सभी चीजें हमें इस तरह से मेजर करके लेनी है। अगर आपका मेजरमेंट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो गुड़ पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी। रोटी बनाने के लिए हम जो आटा यूज करते हैं उससे थोड़ा सा दरदरा आटा हमें लेना है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अब हमें 1.5 कप गुड़ लेना है। गुड़ को इस तरह से थोड़ा सा बारीक कर ले ताकि वो आसानी से मेल्ट हो जाए। मैंने यहाँ पर कोल्हापुरी गुड़ लिया है। 1 कप हमें घी लेना है। घी इस तरह से पिघला कर ही लेना है। अगर आप जमा हुआ घी लेंगे तो गर्म होने के बाद उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। 1 कप घी लेना है, 1.5 कप गुड़ लेना है और 2.5 कप यानी कि 2.5 कप गेहूं का दरदरा आटा लेना है। ये गुड़ पापड़ी बनाने का परफेक्ट मेजरमेंट है, 1 कप घी, 1.5 कप गुड़ और 2.5 कप गेहूं का दरदरा आटा। गुड़ पापड़ी बनाने के लिए नॉनस्टिक या तो भारी तलिए वाली कोई भी कढ़ाई ले, उसमें हम सबसे पहले घी को गरम करेंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो टू मीडियम रखनी है, बहुत तेज आंच पर घी को हमें गरम नहीं करना है। अब उसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। चिक्की बनाने के लिए गुड़ को हम जितना पकाते हैं उतना हमें नहीं पकाना है। गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट होने तक ही पकाना है। इस तरह से चलाते रहना है इसे। गैस की फ्लेम को अभी हमें बिल्कुल स्लो रखना है। अगर आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा भी फास्ट करेंगे तो गुड़ बहुत ही जल्दी से मेल्ट होने लगेगा और उसके अंदर पकने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। गुड़ को हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं है। अगर आपका गुड़ थोड़ा सा भी ज़्यादा पक गया तो आपकी जो गुड़ पापड़ी है वो नरम नहीं बनेगी। इस तरह से इसे चलाते रहे। जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब इसके अंदर हम गेहूं का कच्चा आटा मिला देंगे। गुड़ और घी दोनों ही अच्छी तरह से गर्म है तो उसके अंदर हमारा आटा अच्छी तरह से सीक जाएगा। महुड़ी में इस तरह से गुड़ पापड़ी बनाई जाती है। 5 से 6 मिनट के बाद गुड़ जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तब आपको इस तरह से बबल होते हुए दिखाई देंगे। तब तुरंत ही आप उसके अंदर आटा डाल दें। अगर आपका गुड़ थोड़ा सा भी ज़्यादा पक गया यानी कि मेल्ट होने के बाद उसके अंदर पकने की प्रोसेस चालू हो गई तो आपकी जो गुड़ पापड़ी है वो ठंडी होने के बाद नरम नहीं रहेगी और कड़क हो जाएगी। पहले आधा आटा डालें, अच्छी तरह से मिला लें, बाद में आधा आटा डालें। गैस की फ्लेम मैंने अभी भी स्लो ही रखी है। गुड़ और घी दोनों बहुत ही अच्छी तरह से गर्म है तो आटा उसके अंदर अच्छी तरह से सिक जाएगा। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे गैस के ऊपर रखेंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। दो मिनट के बाद जब हम गैस बंद करें तब तुरंत ही इसे हम घी से ग्रीस की हुई थाली में पलट देंगे। गुड़ पापड़ी को जमाने के लिए आप थाली या तो कोई भी मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लें। अब एक कटोरी के पीछे थोड़ा सा घी लगा कर इस तरह से उसका हम लेवल कर लेंगे। इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आनी चाहिए। आप चाहे तो स्पैचुला से भी इसे इस तरह से लेवल कर सकते हैं। आपको जितनी थिकनेस चाहिए गुड़ पापड़ी की उस हिसाब से आप मोल्ड या थाली लें। 4 से 5 मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब उसके अंदर हम
चाकू से निशान लगा देंगे ताकि ठंडा होने के बाद हम आसानी से इसे तोड़ सकें। अगर आप ये मेजरमेंट करके गुड़ पापड़ी बनाएंगे तो आपकी गुड़ पापड़ी बहुत ही नरम बनेगी। गुड़ पापड़ी को आप 10 से 15 दिनों तक बाहर ही आराम से स्टोर कर सकते हैं। गुड़ पापड़ी में आयरन और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गुड़ पापड़ी अंदर से भी बहुत ही नरम बनी है, तो आप इस तरह से गुड़ पापड़ी बनाकर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।